आखिर कौन थे वो 8 लोग जिनके मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया? आखिर क्यों तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति का नियम? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतरण होने के उपरांत बहुत सी लीलाएं दिखाई, चाहे वह अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाना हो या फिर कंस, नरकासुर और एकलव्य जैसे महाबलियों का वध करना हो। उन्होंने कई सारे ऐसे अद्भुत कार्य किए थे जिससे आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। ऐसा ही एक कार्य था मृत लोगों को पुनः जीवन दान देना। श्री कृष्ण ने एक नहीं बल्कि 8 लोगों को अलग अलग अवसरों पर जीवित किया था। तो आखिर कौन थे वो 8 लोग और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित किया? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत सभा पर्व अध्याय 21 के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु संदीपनी से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, तो उस समय उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर संदीपनी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। संदीपनी जी बोले, मेरा पुत्र समुद्र में नहा रहा था और उस समय तीमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। अगर तुम मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दोगे तो मैं इसे अपनी गुरु दक्षिणा मानूंगा। उनकी मांग बेहद कठिन थी। तीनों लोकों में दूसरे किसी भी पुरुष के लिए इस कार्य को करना असंभव था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण रूप से करने की प्रतिज्ञा ले ली। जिसने संदीपनी के पुत्र को मारा था उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में ही मार गिराया और फिर भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से संदीपनी का पुत्र, जो दीर्घकाल में यमलोक में जा चुका था, उन्हें पूर्व शरीर धारण करके जिंदा कर दिया। ये अचित्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गुरु पुत्र को लेकर श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी जी को सौंप दिया। उस पुत्र को देख संदीपनी के नगर के लोग ये मान गए कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य लोगों के लिए असंभव और अचित्य था। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई भी पुरुष इस कार्य को नहीं कर सकता था और सब ये जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण के ही अवतार हैं। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 85 के अनुसार देवकी जी सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस ले आए हैं। अब उन्हें अपने पुत्रों की याद सताने लगी थी जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय अतुल हो गया था। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, श्री कृष्ण तुम योगेश्वर के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम आदि पुरुष नारायण हो। तुम दोनों आज मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। जो मैं चाहती हूँ तुम्हें वो करना ही होगा। तुम दोनों मेरे उन मरे हुए पुत्रों को वापस जीवित करो जिन्हें कंस ने स्वयं मार डाला था। तुम्हें उन्हें वापस जिंदा करना ही होगा ताकि मैं उन्हें जी भर के देख लूं और उनका पालन करूं। माता देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सतुल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बाली ने देखा कि जगत की आत्मा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक में पधारे हैं, उन्होंने झटपट आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दैत्यराज बाली बोले, प्रभु आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दैत्यराज, राजा स्वयंभू मन्वंतर में प्रजापति मारीच की पत्नी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वो सभी देवता थे। वो ये सब देखकर हंसने लगे कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री से समागम करने के लिए उदित हैं और उनके इसी परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वह असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी जी के घर में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है। वो उन्हें वापस चाहती है और वो तुम्हारे पास है। आप उन्हें हम यहाँ से ले जाने आए हैं। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर से द्वारकापुरी लौट आए और उसके बाद माता देवकी को उनके पुत्रों को सौंप दिया। इसके बाद वो सभी श्राप से मुक्त हुए और माता देवकी से मिलकर आनंद पूर्वक अपने लोक में चले गए। उन 6 बालकों के नाम थे समर, उदित, परिश्वांग, पतंग, शूद्रवर्त और घृणी।
वहीं जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भीम द्वारा की गई दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा पहले से कहीं अधिक क्रोधित हो गया था और उसने रात में ही पांडव सेना के शिविर पर आक्रमण कर बहुत से योद्धाओं का वध कर डाला था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने को घिरा हुआ जानकर अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मशीर अस्त्र चला दिया और उसकी काट के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर अस्त्र चला दिया। तब वेदव्यास जी और नारद मुनि के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा उस अस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था और उसने वह अस्त्र कहीं और चलाने के बजाय उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रोण पुत्र पर क्रोधित होते हुए अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उसकी मणि छीन ली और उसे शक्तिहीन करके कहा, हे दुष्ट, तेरे देखते ही देखते महाबाहु कुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। तेरी शस्त्राग्नि के तेज से दंडित हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। साथ ही तुझे ये भी श्राप देता हूँ कि जिस तरह तूने गर्भ में रह रहे शिशु की हत्या का प्रयास किया है, यह विश्व के सबसे बड़े पाप का भी पाप है। मैं तुझे इस पृथ्वी पर आजीवन भटकने का श्राप देता हूँ। तो इस तरह युगो युगो तक दर्द से कराहता हुआ दर दर की ठोकरें खाएगा और मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। इसके बाद जब उत्तरा ने उस शिशु को जन्म दिया, उस समय वह केवल 6 मास का ही था और वह मृत पैदा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशु को जीवित कर दिया और उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो वो 8 लोग जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मृत होने के बावजूद जिंदा किया, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र यानी संदीपनी के पुत्र थे। वहीं देवकी के 6 पुत्र समर, उदित, परिश्वांग, पतंग, शूद्रवर्त और घृणी, साथ ही अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित थे। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।